एटा जिले के जवाहरपुर विद्युत उत्पादन प्लांट पे आया हूँ और इस उत्पादन प्लांट के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जो वाणिज्यिक उत्पादन कहते हैं जिसका 660 मेगावाट की पूर्ण क्षमता से इसका उत्पादन शुरू हो उसके लिए क्या तैयारियाँ हुई हैं, क्या कमियाँ हैं, क्या चीज़ें ध्यान रखने जैसी हैं, उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया था। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि इसका लगभग सारा काम पूरा हो चुका है और इसी महीने में इसका कमर्शियल प्रोडक्शन पूरी क्षमता के साथ 660 मेगावाट की क्षमता के साथ इसका पूरा कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाने वाला है। इस प्लांट के साथ ही जो 660 मेगावाट का दूसरा प्लांट जो बन रहा है उसका भी कमर्शियल प्रोडक्शन फरवरी 2024 तक में शुरू हो जाने की पूरी संभावना है। मैंने इन दोनों प्लांटों के लिए जो आवश्यक जो इसके अंग होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, आधारभूत संरचना जिसको कहते हैं, वो सारी चीज़ों को हमने एक एक करके जा करके देखा है। मैंने ऐश डक्ट भी देखा है जहाँ ऐश जो है जा करके जमा की जाती है, रेलवे साइडिंग देखा है, कन्वेयर बेल्ट देखा है जो कोयले को फीड करती है अपने प्लांट में, रेलवे की जो लगभग 24 किलोमीटर की लंबी रेलवे लाइन के जरिए जो वैगन रेलवे वैगन के जरिए जो कोयला आना है उसको भी हमने देखा है, बॉयलर को देखा है हमने प्रत्यक्ष जाकर के, टर्बाइंस को देखा है प्रत्यक्ष जाकर के, कूलिंग टावर देखा गया है, चिमनी देखी गई है, इसका कंट्रोल रूम देखा गया है जो कंप्यूटराइज व्यवस्था है, सारे अंग जो है अपनी अपनी जगह पर सब कुछ बन के तैयार है, सबका सिंक्रोनाइजेशन भी आपस में किया जा चुका है सितंबर महीने में ही। और इसमें मुझे ये भी बताने में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 4000 कर्मचारी और अधिकारी इस समय इस प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 350 हमारे विभागीय कर्मचारी हैं, 150-200 दूसन जो कंपनी है उनके कर्मचारी हैं, बाकी हमारे वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के कर्मचारी हैं। लगभग 4000 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और इस महीने में कमर्शियल प्रोडक्शन होने में शुरू होने में मुझे अब कोई अड़चन दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद कभी भी इसको जनता के चरणों में लोकार्पित कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में सुशासन चल रहा है, जो जन कल्याणकारी है, उनकी जो नीतियाँ हैं, जो सबका साथ सबका विकास की भावना से सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी सर्वांगी विकास की जो धारा बह रही है उसको देखते हुए तीन राज्यों की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर मुहर लगाई है और यही विजय रथ जो है वो आगे 2024 तक चलने वाला है। लोकसभा के चुनाव में भी उतनी ही प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल विजयी होंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री संभालते हैं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुरु प्रसाद जी, जिला के जिलाधिकारी, प्रोजेक्ट के मैनेजर, सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनके साथ आप सबका भी मैं आज की इस वार्ता में स्वागत करता हूँ। मुख्य रूप से मैं आज ये देखने आया था कि अभी हमारा प्लांट किस स्टेज पे है और हम कितना जल्दी इसको कमर्शियली हम इसका उद्घाटन या उत्पादन शुरू कर सकते हैं। आज मुझे देखकर बहुत संतोष हुआ कि सब कुछ लगभग तैयार है। पहले प्लांट का जो 660 मेगावाट का जो प्रथम यूनिट है वो लगभग सब कुछ तैयार है और मुझे बताया गया है कि कुछ ही दिनों में और वर्षक इस महीने के अंदर ही इसमें कमर्शियल उत्पादन प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। मैं इस अवसर पे इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लगभग 4000
कर्मचारियों, वर्कर्स और सभी जो वेंडर्स हैं, हमारे अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, जो दुसान कंपनी जो इसमें लगी हुई है उनके कर्मचारियों को, सबको मैं इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बहुत बड़ी सेवा किया है राज्य की। लगभग 4000 लोग इस समय वर्तमान में यहां काम कर रहे हैं। पहले यूनिट जैसा मैंने कहा कि इस महीने कमर्शियल प्रोडक्शन में चली जाएगी और उसके बाद कभी भी उसका औपचारिक उद्घाटन भी होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से बहुत बड़ी सफलता हमारे राज्य को मिली है। जैसा कि आप सबको जानकारी होगी कि ये सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा प्लांट बन रहा है। ये बहुत इफिशियंट होता है, कम प्रदूषण करता है, कम समस्याएं पैदा करता है। दोनों यूनिटों का मिलकर के लगभग 12000 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है। पहला यूनिट इस महीने में और अगला यूनिट शायद फरवरी महीने में कमर्शियल प्रोडक्शन में जाने की संभावना है। सारी कुछ सब कुछ यहां व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। मैं एक एक व्यवस्थाओं को मैंने स्वयं आज देखा है, जैसे कि एस डक्ट जो होती है बहुत महत्वपूर्ण इसका एक अंग होती है, रेलवे साइडिंग होती है वो भी एक बहुत बड़ा अंग होती है, कन्वेयर बेल्ट जो होती है कोयला ले आने के लिए और फीड करने की वो एक बहुत बड़ा इसका अंग होती है, बॉयलर ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा एक यंग अंग होता है, कूलिंग टावर भी एक बहुत बड़ा अंग होता है, जनरेटर इसका एक बहुत बड़ा अंग होता है। इन सारे जो महत्वपूर्ण जो इसके भाग हैं, अच्छा संयोग था, अच्छा समय मिल गया कि हमने सब जगह जा करके एक एक चीजों को हमने देखा है। साथ ही जो विद्युत का उत्पादन होगा उसके इवैक्यूएशन के लिए जो व्यवस्थाएं बननी चाहिए वो भी व्यवस्थाएं बन करके तैयार हैं। इसका पहले यूनिट का जो सिंक्रोनाइजेशन था वो तो सब सितंबर महीने में ही हो गया था और कमर्शियल प्रोडक्शन इस महीने शुरू हो जाएगा। ये हमारे राज्य को विद्युत उपलब्धि के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, विद्युत की सिक्योरिटी के लिए दोनों यूनिटें बहुत बड़ी हमारे जो क्षमता है उसमें एक वृद्धि करेंगी। 1320 यूनिट मेगावाट की अभिवृद्धि होगी। इसी के साथ हमारा ओबरा सी का जो प्लांट है वो लगभग इसी स्थिति में है और वो भी बहुत जल्द ही कमर्शियल प्रोडक्शन में जाने वाला है। आपको शायद ये भी संज्ञान में होगा कि इन एक्चुअल जो काम हुआ है वो बीच में जो कोरोना का समय था थोड़ा ढीला पड़ गया था काम, और उसके चलते थोड़ा एजेंसियों में भी समस्याएं आई, कास्ट ओवरवन, टाइम ओवरवन सब हुआ था, लेकिन उन सारी समस्याओं से मैं अपने UPPCL और जो प्रोडक्शन का पर्सन है हमारा उनके MD को और हम अपने सभी अधिकारियों को, चेयरमैन वर्तमान में जो हैं उन सबको भी मैं शुभकामना और बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से सारी समस्याओं को निपटाते हुए प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ाया है। ये 1320 मेगावाट, फिर ओबरा का 660 मेगावाट और साथ में हम लोगों ने NTPC के साथ कुछ नए अनुबंध भी किए हैं, नए करार भी किए हैं। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें ओबरा डी बोलेंगे उसको, वहाँ 800 मेगावाट के दो यूनिट लगाने का भी हमने अनुबंध किया हुआ है। उसी प्रकार वहीं बगल में अंतरा में NTPC की ही सहायता से 800 के दो यूनिट मतलब 1600 मेगावाट नई क्षमता लगाने का हमने अनुबंध किया हुआ है, उस पर भी स्टडी का काम शुरू हो गया है। ओबरा के लिए तो मंत्रिपरिषद की मंजूरी भी मिल चुकी है और साथ ही मेजा में भी हम उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम आगे का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार इन सभी उत्पादन क्षमताओं के साथ बहुत जल्द कुछ ही महीनों और कुछ ही वर्षों में उत्तर प्रदेश की जो विद्युत उत्पादन क्षमता थी वो लगभग दो गुनी होने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारे राज्य की जो विद्युत की मांग दिन पर दिन बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में हमारी इस बार सर्वाधिक मांग हम लोगों ने आपूर्ति किया है, 28000 मेगावाट से ऊपर की मांग हम लोगों ने पूरा किया, लेकिन ये मांग दिन प्रतिदिन
वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है।